तिलक वर्मा सेठ, हार्दिक भाई टोल्ड मी दैट तेरे को खत्म करके और एंड तक रहना है, बट ही सडनली फिनिश द मैच विद अ सिक्स। नेवर सीन सच अ सेल्फिश प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, अभिनव गौर ने कहा। नेवर सीन अ सेल्फिश प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, तिलक वॉज बैटिंग एट 49 इन हिज द थर्ड गेम, हार्दिक फिनिश द मैच विद अ सिक्स। दिस इज हाउ ए लीडर शुड बी, ये है अजीत कुमार सिंह, फ्यूचर कैप्टन, और इसके बाद हंसती हुई इमोजी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। टीम इंडिया को आखिरकार जीत का स्वाद मिल गया। दो मुकाबले हारे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तीसरे मुकाबले में सूर्या की जबरदस्त पारी और उसके अलावा तिलक वर्मा का जबरदस्त प्रदर्शन, कुलदीप यादव की अच्छी गेंदबाजी और इन सब की वजह से टीम इंडिया को जीत मिली। लेकिन इस जीत के बावजूद भी कप्तान हार्दिक पांड्या की हर कोई बुराई कर रहा है। लोग कह रहे हैं ये सेल्फिश पांड्या हैं, उन्हें धोनी से सीखना चाहिए, विराट कोहली से सीखना चाहिए, ऐसी सलाह मिल रही है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, वो मैं आपको बता देता हूँ। साल था 2014, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ ऐसा कारनामा हुआ जिसे आज तक दुनिया याद करती है। MS धोनी क्रीज पर थे, टीम इंडिया को जीत के लिए 7 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने टीम इंडिया को जिताने में भरपूर योगदान दिया था। 64 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन अगर चाहते MS धोनी तो 1 रन बनाकर विराट को मैच जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि विराट को विनिंग शॉट के लिए मौका दिया। उन्होंने कहा कि सारी जीत तुम्हारे नाम, और MS धोनी का वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, विराट कोहली के लिए वो गेंद को रोक देते हैं और उसके बाद अगले ओवर में विराट कोहली चौका लगाकर टीम इंडिया को जिता देते हैं। वो मोमेंट आज तक क्रिकेट प्रेमियों के जहन में बना हुआ है। इसके अलावा ऐसा ही कुछ विराट कोहली ने IPL में किया था। क्रिस गेल 98 रनों पर खेल रहे थे, एक ओवर बाकी था, RCB को KKR के खिलाफ जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन विराट कोहली ने उस गेंद को ड्रॉप किया। अगले ओवर में क्रिस गेल ने एक छक्का लगाया और RCB जीत गई, साथ साथ क्रिस गेल का शतक पूरा हो गया। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। कप्तान थे हार्दिक पांड्या, सामने तिलक वर्मा थे। टीम इंडिया 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर जीत दर्ज कर लेती है, यानी जीत के लिए 2 ओवर अभी भी बाकी रहते हैं। अगर कप्तान हार्दिक पांड्या उस गेंद को ड्रॉप कर देते या फिर 2 रन ले लेते, चौका मार देते, तो आराम से तिलक वर्मा अपनी 50 लगा सकते थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने क्या किया, एक सिक्स लगाया और मैच जीत लिया। मैच तो जीता ही जा सकता था, लेकिन उनके इंटेंट की, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, उस पर सवाल उठने लगे। जैसा आपने, हम पहले ही बता रहे, हर कोई यही कह रहा है ये सेल्फिश पांड्या हो गए हैं, ये उनमें लीडरशिप क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। और हार्दिक पांड्या से हम अक्सर कहते सुनते हैं कि मैं MS धोनी को फॉलो करता हूँ। अरे भाई, MS धोनी को फॉलो करते हो तो MS धोनी ने विराट के लिए 1 रन नहीं लिया। आप भी चाहते तो तिलक वर्मा की 50 पूरी करा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये थोड़ी सी कमियाँ सामने जरूर आई हैं। आपको बता दें, कल का मुकाबला बहुत ही शानदार रहा। बात करें अगर सूर्य कुमार यादव की, सूर्य कुमार यादव ने कमाल की पारी खेली। पहले दो मुकाबले कुछ खास नहीं रहे, लेकिन तीसरे मुकाबले में सारी कसर पूरी कर दी और टीम इंडिया को सीरीज में वापसी करा दी। तो सूर्य कुमार यादव ने 84 रनों की पारी खेली थी। उसके अलावा बात करें तिलक वर्मा की, तो तिलक वर्मा 3 मैच खेले इंटरनेशनल के, वो भी T20। पहले मैच में 39, दूसरे में 51 और फिर 49 रनों की पारी खेली। ये तीनों पारियां दिखाती हैं कि उनके अंदर इंटरनेशनल में रन बनाने की भूख है। आने वाले वक्त पर ये खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या ने जो किया वो सही था या गलत, या उन्हें सिक्स नहीं मानना चाहिए था, तिलक वर्मा की 50 करानी चाहिए थी? इन सवाल का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।